कुछ लोग जो अपने 25 से 30 वर्ष का उम्र पूरा कर लिए हैं और आधी अधूरी शिक्षा लेकर घर में बेकार बैठे हुए हैं। क्या आपको पता है कि आज आप घर में बेरोजगार और बेकार क्यों बैठे पड़े हो? शायद कुछ को पता हो और कुछ को शायद अभी भी पता नहीं है। मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपकी सच्चाई बिल्कुल आईने में खड़े आपके प्रतिबिंब की तरह है और इसे आपको हर हाल में कबूलना ही पड़ेगा। अब तक तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम इस वीडियो को पूरा देखकर अपने जीवन को रीस्टार्ट करें। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बीते हुए कल के बारे में। जब आप सुबह उठते ही मोबाइल का डाटा ऑन कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स स्क्रॉल किया करते थे और घंटों सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद किया करते थे, और जब सोशल मीडिया से बोर हो जाते थे तब आप अपने जैसे बेकार मित्रों के साथ बेवजह यहाँ वहाँ घूमा करते थे और अपना कीमती समय बर्बाद किया करते थे। उस समय आपके माता पिता की कही हुई बात आपको कड़वी लगती थी और आज उन्हीं माता पिता पर बोझ बने पड़े हुए हो। क्या आपको पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। इसके कारण आज आप घर में बेकार पड़े हुए हो। नंबर 1, सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय घंटों तक बर्बाद करने के कारण। नंबर 2, अच्छे मित्रों की समूह में ना रहने के कारण। नंबर 3, अपने स्टडी पर कॉन्शियस ना रहने के कारण। नंबर 4, अपने माता पिता एवं बड़ों का आज्ञा का पालन ना करने के कारण। और नंबर 5, समय पर समय का सदुपयोग ना करने के कारण आज आपकी ऐसी दुर्दशा है। सभी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो गलतियां करते रहते हैं क्योंकि वो उस चीज के एडिक्ट हो चुके होते हैं और वही एडिक्शन आपके बर्बाद होने के मुख्य कारण है। दोस्तों, अभी भी कुछ वक्त आपके जीवन में है कुछ कर दिखाने का। एक मोटिवेशनल थॉट तो सुने ही होंगे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने मंजिल को प्राप्त ना कर लो। हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। आप भी अपने जीवन की शुरुआत आज से कर सकते हैं तो देर किस बात की। बनाओ अपना एक लक्ष्य और लग जाओ उसे पूरा करने के लिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी टू ऑल माई व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।